है। स्वच्छता हम सभी के लिए अति आवश्यक है। जहां स्वच्छ नहीं रहेंगे तो वहां पर स्वास्थ्य भी आम जनता का खराब हो जाता है। लायंस क्लब और आरा की ओर से डीके कार्मेल विद्यालय में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता अभियान चलाई गई, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक पोस्टर दी गई कि पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा कर स्वच्छता के प्रति और ज्यादा अभियान को तेज किया जाए। जो कि स्वच्छ भारत मिशन पर अपना वक्तव्य देंगे और कैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में वो विस्तृत रूप से बताएंगे। हम लाइन क्लब के, हम लोग के ऑटो क्लब जो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, इस तरह से वो नीचे नीचे रखो नीचे। हमारे माने जी का मेरे छोटे भाई मनीष जी सोसाइटी के लिए, लायंस क्लब जो भी वर्क करता है सोसाइटी के लिए, इंटरनेशनल संस्था जो है, ये इसने वर्क कर रहे हैं जो 15 जनवरी को होगा। इससे पहले हम लोग कंपेन करेंगे, मिजिल्स वगैरह को पूरे जड़ से हटाना है, सात इंची का जुगाड़ करना हो या घर परिवार का विधि व्यवस्था हो, इस सब के बाद भी हम समय निकालते हैं सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी ये रोहतास को, कैमूर को और गया को छोड़कर जहानाबाद, लेकिन झारखंड का दो जिला गोड्डा और पाकुड़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस सब के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। उसी में स्वच्छता अभियान पर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जिसके अध्यक्ष मनीष जी हैं, और जोन 12 है, जोन 12-15 के जो जोन चेयरपर्सन है ध्रुव कुमार पांडे जी, लायर हैं और बड़े अच्छे लायर हैं। इसका हम लोग प्रचार कर सकते हैं, धीरे धीरे समाज को इस मैसेज देकर सुधार की ओर।